हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट और सिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि वीडियो को जब आप आगे देखेंगे, वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी खराब है। क्वालिटी मतलब वीडियो कंटेंट की क्वालिटी नहीं, थोड़ा सा ऑडियो डल और थोड़ा सा वीडियो डल है। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैंने बताया कि सारी वीडियो जैसी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन लेना और इंश्योर करना चाहते हैं कि आपको जॉब इस बार मिल जाए, तो हमारे इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। हम हर तरह से हेल्प करते हैं फाइनल सिलेक्शन में। आपको इंटरव्यू क्लासेस की बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सिर्फ 599 रुपीस की क्लासेस हैं। जब आप एक बार क्लास ज्वाइन करके लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल मिलेगा जहां पर इंटरव्यू की हमने कंप्लीट प्रिपरेशन कराई हुई है। यहां पर 80 प्लस वीडियोस आपको मिलती हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं, एंड साथ में आपको पीडीएफ मिलती हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये दो पीडीएफ, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, जो कि 253 पेज की है, जहां पर आपको इंटरव्यू की कंप्लीट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो चलिए आप इस वीडियो में देखते कि आपको अपने स्टेट से, अपने सिटी से संबंधित किन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, ताकि आपको जो है अगर इंटरव्यू में पूछे तो आप वहां पर उनका रिप्लाई कर पाए। लास्ट डे के रिव्यू पॉज करके देख सकते हैं। इंटरव्यू क्लासेस में क्या क्या मिलेगा यहां पर देख सकते हैं। इसका क्लासेस ज्वाइन करने का जो लिंक है वो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इंटरव्यू में बेसिकली आपके शहर के बारे में पूछा जाता है कि ताकि पता चल सके कि आपको अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है। ठीक है, देखिए, पहली चीज, उन लोग को दो राज्य के बारे में पता होना चाहिए जो बिलोंग करते हैं किसी और स्टेट से और इन्होंने अप्लाई किया है किसी और स्टेट की आरआरबी में। ठीक है, तो जिस स्टेट में उनकी आरआरबी है उनको उसके बारे में पता होना चाहिए, जिस स्टेट को वो बिलोंग करते हैं उनको उस स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, जिस सिटी से वो बिलोंग करते हैं उस शहर के बारे में पता होना चाहिए, और जिस सिटी में इंटरव्यू है उनको उस शहर के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों? इससे ये हो सके कि भाई आपकी, जहां आपकी फ्यूचर जॉब होने वाली है, जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं कि भाई आप नौकरी करेंगे, उस शहर में रहेंगे, उस स्टेट में रहेंगे, तो आखिरकार आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपको नॉलेज है, आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे, आपको पता है चीज़ें यहाँ पर कैसे चलती हैं। ठीक है, तो अपने राज्य और अपने शहर के बारे में क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो अगेन ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कल लोगों के अच्छे रिव्यू थे कि वीडियो लंबा ना किया जाए। अब आपको एक तो अपने स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, जिनको दो स्टेट के बारे में पढ़ना है उनको भी सेम पढ़ना है। ठीक है, कैपिटल तो सबको पता ही होती है। ठीक है, आपकी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज क्या है? ठीक है, लैंग्वेज ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो आपको पता होनी चाहिए। आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपको पता होनी चाहिए। आपके स्टेट में कौन सी आरआरबीज हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा आरआरबीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आप जिस शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं या जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं वहां के समय डीएम कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी स्टेट का नेशनल बर्ड, मतलब सॉरी, स्टेट बर्ड कौन सी है। ठीक है, वहां का कोई जो डांस है, ठीक है, जैसे कथक कहीं का है, कहीं का कुछ है, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपकी जो शहर है वहां का लीड बैंक कौन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लीड बैंक कौन है ये आप पता कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, कुछ भी देख लीजिएगा, लीड बैंक कौन है ये पता होना जरूरी है। बाकी लीड बैंक क्या होता है, कैसे क्या करता है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ही। ठीक है, आपके स्टेट का गवर्नर कौन है। ठीक है, आपकी स्टेट में कौन दो बार तीन बार सीएम रह चुका है, मतलब सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रह चुका है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन रह चुका है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके शहर से कौन ऐसा फेमस पर्सनालिटी है जिसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, कोई इलाहाबाद से है तो वो अमिताभ बच्चन वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कोई कहीं और से है, कोई ग्वालियर से है, अटल बिहारी वाजपेयी वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें वहां पर आपको याद होनी चाहिए कि हाँ आपके शहर से फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपके शहर का क्या चीज फेमस है, ठीक है, जैसे कोई बिलोंग करता है हैदराबाद से, ठीक है, लखनऊ से, तो वहां का फूड बहुत फेमस है। ठीक है, इंदौर का फूड बहुत फेमस है। ठीक है, कोई बिलोंग करता है जयपुर से, ठीक है, तो वहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली क्या चीज़ कहाँ की इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी वहाँ जैसे वाराणसी के पास एक जगह पड़ती है भदोही, ठीक है, वहाँ पर कारपेट्स बहुत बनती हैं, वहाँ की इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड जैसे लखनऊ में चिकन का वर्क बहुत होता है, इम्पॉर्टेंट है, एंड कानपुर आगरा में सूज का काम बहुत होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, तो अलग राजस्थान के जैसे मकराना में वहां पर स्टोन का होता है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं, आपकी वहां की फेमस चीज कौन सी है ये पूछी जाती है। और पता है ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपसे जो पैनल होता है ना 5 लोग का, वो मान लीजिए बहुत फ्रेंडली होता है। इंटरव्यू देख के जितने लोग आते हैं उसमें से 90% लोग ये कहते हैं सर इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया हुआ। क्यों? क्योंकि पैनल आपको कभी ये फील नहीं होने देता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे गड़बड़ गया है, वो मैनेज करता है, वो आपको नर्वस नहीं होने देता है, वो कोशिश करता है कि आपके अंदर से आपका बेस्ट निकलवाया जाए। उसने पूछा ठीक है चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है वो ऐसे ही बोलते हैं एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज, चलो अपने बारे में कुछ बताओ। आपने अपना इंट्रो दिया जो आप रट के घर से आए थे, ठीक है, तो कोशिश करिए रटिए नहीं, थोड़ा सा फ्रेंडली वे में बोलिए एक नॉर्मल उसमें, ठीक है, तो आपने इंटर बताया, तो कोई पैनल उसमें बोलेगा थोड़ा सा होता है ऐसे ही उनका नेचर होता है, बोलेंगे अच्छा आप जयपुर से हैं यार, जयपुर में अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर बोलेगा जयपुर में आप वहां के रहने वाले हैं, ठीक है आप कहीं के भी जयपुर में किसी एरिया में रहने वाले हैं, उसके बोलेंगे आप एमआई रोड से रहने वाले हैं, फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है वहाँ की यार फेमस चीज क्या है, ठीक है, तो अब आप बोलेंगे फेमस यहाँ का सर वो ऐसे आपने किया, वो समझ जाएंगे वहाँ पर ठीक है फेमस पता नहीं है, वो क्वेश्चन स्विच कर देंगे, अच्छा ये बताओ कि जयपुर में वहाँ पर ये होता है ऐसे ये होता है, ठीक है वहाँ पर क्या क्या मिलता है, वहाँ की फेमस मोनूमेंट्स कौन कौन से हैं, चीजें बताई, ठीक है आपका क्वेश्चन तुरंत डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। एक चीज वहां पर नोटिस कर ली उन्होंने कि इसको अपने शहर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ज्यादा अपने शहर के बारे में जानने का इच्छुक नहीं है, ठीक है, तो अगर आप अपने शहर से आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिकली ये एक नेचर होता है, ठीक है, बहुत से लोगों का नहीं होता है एक्चुअली। जैसे मेरा है कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ वहाँ के बारे में क्या नया हो रहा है, कुछ नया अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ती रहनी चाहिए। ये चीजें कहाँ से पता चलेंगी, ये आपको न्यूज़पेपर से पता चलेंगी, अपने शहर का न्यूज़पेपर, घर पे एक न्यूज़पेपर तो लगा होगा ना सबके घर में, पढ़िए वहां पर अपने शहर के बारे में जानिए, ठीक है क्या होता रहता है जानिए, कोई फेमस इवेंट होने वाला है तो उसके बारे में जानिए, ठीक है, तो इतनी चीजें तो आपको आनी ही आनी चाहिए, इसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए।